तो फिर आज का पहला न्यूज है जीडब्ल्यू मनीष के बारे में। तो फिर उन्होंने एक वीडियो के टाइटल में विराट कोहली के जगह वायरल कोहली लिख लिया है। हो सकता है कि उन्होंने गलती से लिख लिया होगा या फिर उन्होंने जानबूझकर लिखा होगा, कुछ कह नहीं सकते। और वह बताते हैं कि क्यों फ्री फायर मैक्स भारत से रिमूव होने वाला है। तो फिर आप देख, मैं आप लोगों को इसकी गारंटी देने वाला हूं कि भाई फ्री फायर मैक्स पक्का हमारे इंडियन सर्वर से रिमूव होने वाला है। वो ना आप लोगों को प्ले स्टोर पे दिखेगा और ना ही साइट पे देखने मिलेगा। पिछले 1.5 साल में फ्री फायर प्लेयर्स अभी भी जुड़े हुए हैं गरीना से, अब वो रिमूव होने वाला है फ्री फायर इंडिया आने के बाद। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, कोई ना कोई रीजन होगा ही ना। ऐसा नहीं कि मैं फ्री फायर मैक्स का हेटर हूं, फ्री फायर मैक्स ही तो पिछले 1.5 साल में हम लोग जिंदा है यूट्यूबर, वरना कब के भाई लोटा लेके बैठ जाते। रीजन ये है कि फ्री फायर मैक्स जो प्रोजेक्ट है वो फ्लॉप प्रोजेक्ट घोषित कर दिया है गरीना के थ्रू खुद ही, क्योंकि अभी के टाइम पे फ्री फायर मैक्स कुछ ही गिने चुने सर्वर में बचा हुआ है, ब्राजील एंड ऑल। उसमें से गरीना फ्री फायर मैक्स को तो मार्च में ही रिमूव कर दिया था, 2023 के मार्च में रिमूव कर दिया था। ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दे दिए थे कि फ्री फायर मैक्स को हम हटा रहे, फ्री फायर इंडिया आ रहा है इंडिया में। लेकिन जाहिर से पता गरीना कुछ टाइम बाद फ्री फायर मैक्स को भी हटा ही देगा, क्योंकि सर्वर में पैसा लगेगा फ्री फायर मैक्स के, एक तो फ्लॉप प्रोजेक्ट है, साला फ्री फायर इंडिया में पूरा पैसा डाल देंगे। मेरे को काफी ज्यादा दुख हुआ इस वीडियो को बनाते टाइम, क्योंकि फ्री फायर मैक्स ही है जिसने संभाला था। बट ठीक है भाई, याद आएगी फ्री फायर मैक्स तुम्हारी बहुत ज्यादा, क्योंकि तुमने हमारे हर एक बुरे टाइम पे अभी तक साथ दिया था। लेकिन अब तुम्हारा बाप आ रहा है गरीना फ्री फायर इंडिया, तो भाई। तो फिर अगली न्यूज है फैक्ट स्टोरेज के बारे में। तो फिर वो बताते हैं फ्री फायर इंडिया कब आने वाला है, आप देखो। इसकी गारंटी मैं तुमको देता हूँ। तो चलो भाई, जब बात कर लेते हैं फ्री फायर इंडिया लॉन्च डेट को लेकर, एक बहुत बड़ी ई-स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे जो डेट है इसको शायद से लीक कर दिया है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई आप लोग लिडोमा के बारे में तो जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि लिडोमा जो है ये एक तरह का ई-स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है। ये पूरे एशिया लेवल पे यहाँ पे वर्क करता है, जितने भी गेम्स है वैलोरेंट बीजीएमआई सभी गेम्स में ये लोग अपना ऑफिशियल ई-स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स करवाते हैं। और यहाँ पे जो लिडोमा का टूर्नामेंट है वो यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है 16 तारीख से। जी हाँ गाइस, याद रखना 16 तारीख, यहाँ पे जो 3 दिन बाद 16 सितंबर आने वाला है उस दिन से। और यहाँ पे लिडोमा ने यहाँ पे एक गड़बड़ ये कर दी है, अब यह गड़बड़ है कि इन लोगों ने कुछ, इन लोगों को पता चला है। बट हाँ, मैं आप लोगों को बैकग्राउंड में उनके टूर्नामेंट का ट्रेलर दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि भाई इनके टूर्नामेंट का जो मतलब ये जो लोगो है यहाँ पे फ्री फायर इंडिया लिखा हुआ है। मतलब भाई अभी जितने भी ई-स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स इंडिया में अभी रन हो रहे हैं सब में फ्री फायर मैक्स लिखा हुआ है, या मान लो कोई कोई फ्री फायर लिख दे रहे हैं तो चलता है, फ्री फायर मैक्स लिखा है मैक्सिमम में। बट भाई यहाँ पे ये लोग ऑफिशियल यहाँ पे दे दे रहे हैं कि फ्री फायर इंडिया का ये लोग टूर्नामेंट करवाने वाले हैं, वो भी 16 सितंबर से। फिर अगली न्यूज है एएस गेमिंग के बारे में। तो फिर वो भी बताते हैं कि फ्री फायर इंडिया कब आने वाला है, कब तक आने वाली है, क्योंकि आप लोग सबके यही सवाल है कि गेम कब आएगी, फ्री फायर एंडमैन कब होगी। तो जितना मैंने सुना इधर उधर से, तो 15 सितंबर की एक जो डेट है वो काफी ज्यादा जो है लग रही है कि गेम आ सकता है। अभी आज 12 सितंबर है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 13 को ये वीडियो अपलोड होगी, तो 15 तक मेरे को लग रहा है कि गेम आ सकती है, बट पक्का भी नहीं है। बट जितना मुझे लगता है, जैसे उन्होंने पोस्ट डाला था कि कुछ वीक्स के अंदर आ जाएगी, तो मेरे हिसाब से इस मंथ के अंदर आ जानी चाहिए, इस मंथ खत्म होने से पहले पहले आ जानी चाहिए। अगर इस मंथ में नहीं आती है तो मुझे लगता है कि थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, फिर कुछ पीछे से गड़बड़ हुई हो तो फिर टाइम लग सकता है, ठीक है, फिर थोड़ा सा 1-2 महीने क्या पता और भी लग जाए। बट अगर मेरे हिसाब से आनी चाहिए तो इसी मंथ के अंदर आ जानी चाहिए, एंडिंग से पहले पहले, मतलब 15 या 20 तक गेम आ जानी चाहिए। 20 से ज्यादा टाइम लगता है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो सकती है मेरे हिसाब से। बट मेरे को लगता है कि 15 को गेम आएगी, मुझे जो लगता है, बाकी पता नहीं है, देख लेते हैं।